संभालिए अपने आप को विजय साहब। अरे तुम लोग इतना शर्माए लज्जाए से क्यों बैठे हो? खुद ही तो मिलना चाह रहे थे। ये प्रशांत, हेलो, तंबी, नमस्कार, ये घनेपण। जय श्री कृष्ण। वैसे इसका नाम मांगीलाल है, लेकिन हमने इसका नाम घनेपण रखा हुआ है। घनेपण? अब तो ये अपना पुराना नाम भी भूल गया है। पण मैं का घनेपा घनेपण बोलता हूँ। हाँ, ये अपने यार हैं, मस्त छोकरे लोग हैं। हाँ, मगर आप ये सब कुछ मुझे क्यों बता रहे हैं? वो क्या है कि आपको मेरे बारे में सब कुछ पता चल जाना चाहिए, इसीलिए। क्यों? आप मुझे अपने बारे में सब कुछ क्यों बता देना चाहते हैं? हनी, हम एक दूसरे से प्यार करते हैं और कल को हमारी शादी। शादी? अरे हनी, तो हंस क्यों रही है? मिस्टर विजय, पहले तो आप ये गलतफहमी दूर कर लीजिए कि मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ। हनी जी, हनी क्या कह रही है तू? अरे आज ही तो तूने हम सबके सामने, वो सब नाटक था, यही बताने के लिए तो मैंने तुम सब लोगों को यहाँ बुलाया है। क्या मजाक है ये? नहीं, ये बिल्कुल सीरियस है। वो जो था वो मजाक था। वैसे तुम जैसे दिलफेक और आशिक मिजाज लड़के तो पहले भी बहुत टकरा चुके हैं, मैंने सोचा एक और को ही आजमा लिया जाए। मोहिनी, ये लोग दिल से माला माल और दिमाग से कंगाल होते हैं। ये बहुत हो गया हनी, देखो। बिल्कुल ठीक कह रही हूँ, लड़की ने एक बार मुस्कुरा के क्या देख लिया, बस हो गई अपनी लोजी, सीधा हाथ थाम के शादी के मंडप में पहुंच गए। क्या रफ्तार है आपकी विजय साहब। लेकिन मैं आपको एक बात बता देना चाहती हूँ कि मैं दिल ही नहीं दिमाग भी रखती हूँ। हनी, ये बात तुम अकेले में भी कह सकती थी। मगर मैं जानबूझकर सबके सामने तुम्हें नीचा दिखाना चाहती थी, ताकि अगली बार किसी लड़की के सामने अपना दिल बिछाने से पहले तुम मुझे याद रख सको। वाह, क्या दरिया दिली दिखाई है तूने, 10 का नोट और दिल के मामले में इतनी कंजूस। सिक्कों और दिल में शायद यही फर्क होता है मोहिनी। अरे भाई क्या कर रहे हो, हम गरीबों का पैसा क्यों लूट रहे हो? बुला, पैर उठा पैसे से। ये टैक्स है अपन का, कुल्ला टैक्स। पैर हटा वरना तेरा बाया कंधा सीधा कर दूंगा। बरसो रे बरसो। अबला नारी, जाइए जाइए। इंस्पेक्टर साहब, मेरी गलती नहीं है। अरे गुंडागिरी करता है इंस्पेक्टर साहब, मेरी चल। हनी चल पुलिस को बता देते हैं, विजय की कोई गलती नहीं है, उसने तो हमारे लिए ही। अबला नारी, जाइए जाइए। हनी चल पुलिस को बता देते हैं, विजय की कोई गलती नहीं है, उसने तो हमारे लिए ही। देखो विजय, यूं ही एक राय दे रहा हूं, ये जो तुम्हारा रिएक्ट करने का तरीका है, ये एक दिन तुम्हें किसी बड़ी परेशानी में डाल सकता है। परेशानियों के डर से मैं बुजदिल नहीं बन सकता इंस्पेक्टर साहब, मुझसे जो हुआ वो सही है बस। अरे यार अब बहुत हो गया, चल 10 रकत मार जल्दी। अस्पताल और पुलिस स्टेशन से जितना जल्दी हो सके निकल जाना चाहिए, नहीं साहब? हाँ, और कोशिश यह भी रहनी चाहिए कि यहां दोबारा आना न पड़े। थैंक यू। मैं तो परेशान हो गया, पता नहीं तुझसे इतना कैसे जुड़ गया हूं मैं। चल। थैंक यू इंस्पेक्टर। राम कसम 6 घंटे हो गए, पानी तक नहीं गया हलक के नीचे।
इंस्पेक्टर, मैं विजय सक्सेना का बड़ा भाई निर्भय सक्सेना। वो उसकी जमानत हो गई, अभी अभी गया वो। किसने ली जमानत उसकी? ये बाबूराम के साथ आपका क्या रिश्ता? आपकी जमानत उसने क्यों ली? कुछ पूछ रहा हूं मैं। छोड़िए ना, जाने दीजिए, वहां उठता बैठता इसलिए। हाँ, लेकिन वहां उसके होटल में बैठकर आप करते क्या है? सारा दिन आवारा लोगों के साथ तफरी मौज मस्ती। मैंने कभी इस बात को लेकर तुम्हें नहीं डांटा फटकारा कि कामकाज नहीं है तुम्हारे पास, लेकिन काम नहीं होने का मतलब यह तो नहीं है कि आप वक्त बर्बाद करें, अपना बेढंगे लोगों के साथ रिश्ते बनाए। और ये गुंडे मवालियों के साथ उलझने की जरूरत क्या थी तुम्हें? भैया, वो लोग एक भिखारी को सता रहे थे। हाँ, मगर आप हैं क्या? और भी तो लोग वहां ये सब देख रहे होंगे, ये मारपीट की नौबत कैसे आई? आप मेरी बात तो सुनो। देखो, ऐसे लोगों के साथ हमारा कोई मुकाबला नहीं, जितना हो सके इनसे दूर रहना चाहिए। कभी कोई ऐसी मुश्किल मत पैदा कर देना जिसकी वजह से मुझे किसी के सामने मदद के लिए सर झुकाना पड़े, क्योंकि स्वाभिमान ही मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी पूंजी है। चलो नाश्ता कर लो। आओ आओ विजू। यस इंस्पेक्टर साहब, वो विजय। विजय सक्सेना जी, उनकी तो जमानत हो गई है। ओह, लेकिन गलती तो दरअसल विजय की थी ही नहीं इंस्पेक्टर साहब, वो गुंडे उस भिखारी से पैसे छीन रहे थे, विजय ने तो बस उन्हें रोका था। ये बात अगर आप कल बता देती तो रात भर उन्हें लॉकअप में नहीं रहना पड़ता। जी देख हनी, तू विजय को प्यार नहीं करती, तेरी इस बात पर मैं यकीन तो नहीं कर सकती। देख मोहिनी, मैं उससे प्यार नहीं करती, नहीं करती। मेरे लिए तो उसके साथ एक पल भी काटना मुश्किल है। मैं पूरी जिंदगी काटूंगी उसके साथ। जिंदगी काटूंगी मतलब? तू क्या समझती है मैं शादी करूंगी उसके साथ? मैंने तो ऐसी कोई बात की नहीं। ये शादी की बात तेरे दिमाग में आई कैसे? कैसे आई मतलब? मतलब ये कि तू विजय के बारे में इतना तक सोचने लगी कि सोचते सोचते शादी तक पहुंच गई, या तूने इससे भी आगे का सोच लिया है? शट अप! मैं तुझे अच्छी तरह से जानती हूँ, इसलिए मैंने ये सारा ब्लॉक रिजर्व कर लिया था। तू क्या का क्या बोल रही है, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। होता है होता है, प्यार में ऐसा ही होता है, कुछ समझ में नहीं आता, बस सिर्फ वही समझ में आता है। देखा नहीं, अगर विजय कोई ऐसा वैसा लड़का होता तो मैं कभी उसकी तरफदारी नहीं करती, लेकिन विजय में वो सब खूबियां हैं जो हर लड़की अपने महबूब में ढूंढती है। वो तुझे बहुत प्यार करता है और तू है कि हमेशा उसका दिल दुखाती रहती है। क्या? अब क्या करूं बता? मुझे क्या, मुझे क्या हिमालय की चोटी पे खड़े होकर चिल्लाना पड़ेगा कि विजय आई लव यू, आई लव यू विजय आई। कोई जरूरत नहीं, प्यार करने वाले खामोशी की आवाज पहचानते हैं। हाँ, अगर तुम अपने गुरूर की चोटी से नीचे उतर आओ और यही बात प्यार भरे अंदाज से कह दो तो काफी है। ओ, तो ये सब नाटक तुम्हारा ही है, तुम बाज नहीं आओगे अपनी हरकतों से। बकवास बंद करो, एक सच जो तुम्हारी जुबान तक आना चाहता है मगर तुम्हारा घमंड उसे रोक लेता है, और वो सच ये है कि तुम मुझसे प्यार करती हो। देखो विजय, शट अप, नाम मत लो मेरा, तुम एक सरफेरी बदतमीज और पागल लड़की हो। मैंने ये आखिरी कोशिश की थी, अब मैं तुम्हारी तरफ पलट कर देखूंगा भी नहीं। बस एक बात याद रखना, मेरे बिना जिंदगी गुजारना तुम्हारे लिए एक सजा होगी, समझी? Thank you.
मजाक है ये? अभी इस मजाक से तुम्हें कोई खास नुकसान नहीं पहुंचा है। नुकसान तो आगे उठा जाओगे तुम। क्या मतलब? तुम अभी जिस लड़की के साथ थे उससे अपने रास्ते अलग कर लो। ये इश्क तुम्हारी सेहत के लिए ठीक नहीं है। लेकिन आप ये नेक सलाह देने वाले होते कौन हैं? मुझ संभाल के बात कर, जानता नहीं है क्या साहब को? हाँ जानता हूँ, ये शहर की बहुत बड़ी हस्ती है, जानता हूँ। जानते हो तो ये बात भी जान लो कि अगर तुमने उस लड़की से दोबारा मिलने की कोशिश की। एक मिनट। माना कि आप इस शहर की तोप हैं, बहुत इज्जत है आपकी यहाँ, शायद कुछ लोग आपसे यहाँ डरते भी होंगे, लेकिन हम जरा प्राणी दूसरे किस्म के हैं, धमकी का अंदाज हमें पसंद नहीं। पहले तो आप ये बताइए कि आपका हनी के साथ रिश्ता क्या है? तेरी औकात क्या है मुझसे इस तरह का सवाल करने की? के साहब, दामन देखकर हाथ डाला कीजिए, विजय सक्सेना नाम है मेरा। एक शरारा ही जंगल को जला देता है, नादा है तू जो शोले को हवा देता है। तेरे खून की तासीर भी तेरे भाई जैसी है। तुझे पता नहीं कि सपनों की दुनिया से निकलकर किस भयानक हकीकत का सामना करना है तुझे।